मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्टडी करते होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर पर रह के। इस स्थिति में आपको पूरा सुविधा दिया जा रहा है और आप घर पर बैठ कर आए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हर वीडियो देखते रहिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, हर वीडियो देखेंगे तभी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलने वाला है, अदरवाइज प्रॉफिट आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, हम तो कहेंगे कि जहाँ तक हो सके आपको प्रयास करना ये चाहिए कि मैक्सिमम जो भी आपके वीडियो हैं, यानी कि जो भी वीडियो आपको अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, जो जनरली साइट जो है आपका सीवी का साइट है, किसी का वगैरह, जो भी आपको देखते होंगे जनरली, उस पर आपको क्या करिएगा, एक्चुअली में देखते रहिएगा। ठीक है, जो भी आपको वीडियो मिले वो देखते रहिएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट का नाम पढ़ रहे हैं, क्या है सब्जेक्ट का नाम है, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज। सब्जेक्ट का नाम मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि कोई भी बच्चा ये ना कंफ्यूज करे कि हम पढ़ गया है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इस वजह से हम इसको लिखते हैं हमेशा एनवायरमेंटल स्टडीज, और हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन। टोटल मैंने बता दिया था पहले कि आपका टोटल थ्योरी बेस्ड आपका सब्जेक्ट है, इसी प्रकार कोई न्यूमेरिकल में आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, यानी कि टोटल की टोटल आपकी थ्योरी है, बहुत इजी वे में है टोटल को आप समझ सकते हैं, इसको आप अपना रेगुलर तरीका से। ठीक है, हमने यूनिट नंबर स्टार्ट किया था थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था वायु प्रदूषण। क्या था, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ठीक है, बोलते हैं एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, आपको हम लोग पढ़ रहे हैं क्या वायु प्रदूषण, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जनरली हम लोग पढ़ चुके थे कि वायु प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, ओके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये भी जान चुके थे कि इसके क्या कैसे सोर्सेस हैं, जनरली हमने कल बताया था, मैंने बताया था कि आज जो हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कल के वीडियो लेक्चर में था वो आपका आधा अधूरा था, आज हम कंप्लीट इसको डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं आपके। तो आपको मैंने बताया था कि जनरली दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक आपका नेचुरल होगा प्राकृतिक स्रोत होगा, और एक होगा आपका मैन मेड यानी आर्टिफिशियल होगा यानी कृत्रिम स्रोत होगा। तो जो आपका प्राकृतिक स्रोत होता है गाइस, जो आपका प्राकृतिक स्रोत होता है, इसका मतलब वो प्रकृति द्वारा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रदूषण वहाँ से फैल रहा है। ठीक है, प्रकृति द्वारा वो प्रकृति का कुछ भी हो सकता है, उसका जो भी एक्टिविटी हो सकता है, मैं बताऊँगा। उसके बाद से जो ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है, इस पृथ्वी पर जो ह्यूमन है, जो आदमी रह रहे हैं, उनके द्वारा जो एक्टिविटी किया जा रहा है, उसके द्वारा जो मतलब सोर्सेस हैं, जो भी उनके द्वारा हो रहा है, वो क्या होते हैं, स्रोतों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे जनरली कि जो वायु प्रदूषण है उसमें जो कुछ जो उसकी मात्रा होती है कुछ गैसों की, कितनी परसेंट तक नियर अबाउट होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये पढ़ेंगे हम लोग आज कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ह्यूमन के हेल्थ पे इसका, एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, तीन चीज़ हमको आज पढ़ना है, और एक सबसे लास्ट टॉपिक बचेगा आपको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि कोई कुछ मेथड्स ऐसे अप्लाई करेंगे जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो हमने आपको हल्का फुल्का बताया था कि क्या कि आपको कैसे प्रिवेंट करना, लेकिन बेसिकली कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं जनरली इंडस्ट्रीज में या फिर किसी भी जगह ऐसे जगह जहाँ पे वायु प्रदूषण निकलने के ज़्यादा चांस होते हैं, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसको मेथड्स आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वायु प्रदूषण के स्रोत। ठीक है, वायु प्रदूषण के, वायु
फंक्शन के स्रोत, ठीक है, वाई फंक्शन के स्रोत। इसमें हमने बताया था आपको, पहला है नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस, और आपका बी है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सोर्सेस। ठीक है, दो मेथड है आपको, सॉरी दो सोर्सेस हैं। कौन कौन सा है आपका? एक नेचुरल सोर्सेस होता है और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ते चलेंगे और जानते, ठीक है गाइस, एक एक करके पढ़ते चलेंगे और हम लोग जानते चलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको मैं रफ कर सकता हूँ ना, इसको मैं रफ कर सकता हूँ, इसको यहाँ इतना जगह खाली हो जाएगा ना, इसको मैं रफ कर सकता हूँ। और अभी यूनिट है थर्ड में खाली हो गया, यूनिट थर्ड यहाँ पे है, उसका नाम है एयर। तो गाइस हमने बताया था आपको कि जो आपका पहला है वह है आपका नेचुरल, यानी नेचुरल स्रोत है आपका, यानी प्राकृतिक स्रोत है आपका, जो आपका स्रोत है आपका वो आपका जनरली क्या है, नेचुरल स्रोत, यानी नेचुरल सोर्सेस, ठीक है, नेचुरल सोर्सेस। अब इसके अंदर क्या क्या सकता है, मैंने बताया था कि जब नेचुरल के द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल सोर्स, यानी कि उसके द्वारा हो रहा है ना, प्रकृति के द्वारा हो रहा है उसको, इसलिए हम उसको बोले क्या, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। अगर वही इंसान द्वारा होगा यानी मनुष्य द्वारा होगा उसको बोलते हैं क्या, मैन्यूल। अब देखिए इसमें क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें आ सकता है भूस्खलन, आ सकता है भूस्खलन, आ सकता है उसको लैंडस्लाइड बोलते हो जनरली, ठीक है, भूस्खलन आ सकता है, वायुमंडलीय क्रियाएं आ सकती हैं, वायुमंडलीय वायुमंडलीय क्रियाएं आ सकती हैं, ठीक है। सी आपका हो सकता है ज्वालामुखी का फटना, ज्वाला मुखी का फटना, ठीक है, और क्या हो सकता है, ज्वालामुखी का फटना और चक्रवात, और क्या हो सकता है, चक्रवात हो सकता है, बहुत सारे ऐसे रीजन है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीजन है जनरली, ठीक है, जिससे क्या होता है, वायुमंडलीय नेचुरल सोर्सेस कह सकते हो कि भूस्खलन हो सकता है, वायुमंडलीय क्रियाएं हो सकती हैं, ज्वालामुखी का घटना हो सकता है और चक्रवात। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि जब भूस्खलन वगैरह होता है तो क्या होता है, उथल पुथल होता है, ठीक है, उथल पुथल होता है, जिससे किससे क्या होता है, जिससे हमारा धूल उड़ने के कारण, ठीक है, जिससे धूल उड़ेगा जब पृथ्वी उथल पुथल होगा क्या होगा, लैंडस्लाइड करेगा भाई, उथल पुथल होगा ना, तो जो भी आपका धूल वगैरह उड़ेगा वो क्या करेगा, वायुमंडल में क्या करेगा, वायुमंडल में आएगा, ठीक है, वायुमंडल में आएगा, ठीक है। तो जब वो वायुमंडल में आएगा तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा, उसके कहीं ना कहीं उसके प्रॉपर्टीज को प्रभावित करने वाला है, ठीक है गाइस। अब जो भी वायुमंडलीय क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत वायुमंडल के निचले भाग में जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत वायुमंडल में जितने भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो भी कह सकते हो, जो उपस्थित गैसें होती हैं, इसमें कहां पर आते हैं, वायुमंडलीय क्रियाओं में, ठीक है, जो उपस्थित गैसें होती हैं, वाष्प
द्रव तथा ठोस के रूप में वाष्प द्रव तथा तथा ठोस द्रव के रूप में ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठोस रूप में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, सॉरी यहाँ परिवर्तित ले लेते हैं, परिवर्तित परिवर्तित हो जाती है। अब देखो न्याय होगी ना, अभी सी बात है, जो भी वायुमंडलीय क्रिया होती है, जो गैसों का जो भी आपका है ठीक है, उनका क्या होता है, जो वाष्प होते हैं द्रव तथा ठोस के रूप में जनरली क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इससे भी क्या होता है कि आपका जो वायु जो प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं उसको प्रभावित करता है, यानी कि निर्णय रूप से कह सकते हैं लैंडस्लाइड का भी और वायुमंडलीय क्रियाओं का भी इसमें बहुत विशेष योगदान होता है ठीक है, याद रखिए। फिर ज्वालामुखी का फटना, फिर आता है ज्वालामुखी का फटना। तो ज्वालामुखी का फटने से क्या होता है भैया बताइए, कोई बताएगा ज्वालामुखी के फटने से क्या होगा? भाई ज्वालामुखी फटेगा तो क्या होगा, कुछ गैसेज वगैरह रिलीज होंगे वहाँ से ठीक है, ठीक है, धूमकण होगा, समझ रहे हो ना। जब ज्वालामुखी फटेगा, जब ज्वालामुखी फटेगा तो क्या होगा, उसके अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं धूलकण वगैरह या फिर जैसे विभिन्न गैसें क्या क्या हो सकती हैं, CO हो सकता है या फिर CO2 हो सकता है ठीक है, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जनरली जो होता है आपके इसके फटने से धूलकण विभिन्न गैसें जैसे धूलकण विभिन्न गैसें जैसे CO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड ठीक है, ऑक्साइड कार्बन आदि के तथा कार्बन आदि के अधजले कण निकलते हैं, अधजले कण पार्टिकल जो होते हैं कण निकलते हैं। क्योंकि हमने कभी ज्वालामुखी को फटते हुए तो देखा नहीं है, शायद आप लोग अगर देखे होंगे तो शायद आप लोग भी नहीं देखे होंगे। एक रूप से क्या है, प्राकृतिक एक्टिविटी है जिस ना आप रोक सकते हैं, मतलब वो आपके हाथ में नहीं होता, यानी कि इंसान के हाथ में उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब ऐसे एक्टिविटी हैं, भूकंप का आना ठीक है, चक्रवात आना ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसी चीज़ें सब नेचुरली होती हैं, तो चूँकि नेचुरली होंगी तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से तो आपका जो वायुमंडल है प्रभावित होगा। तो अभी सी बात है, यानी कि क्या होगा, अजले कण निकलते हैं जो वायुमंडल में क्या करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं ठीक है, याद रखना ठीक है। होता क्या है, जब ज्वालामुखी फटता है ठीक है, लावा जिसको जैसे मैग्मा वगैरह करते हो ना वहाँ से, तो जो फटता है होता क्या है कि वहाँ से धूलकण, देखो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आपके डस्ट वगैरह निकलते हैं या फिर विभिन्न गैसें भी हो सकती हैं उसमें, विभिन्न गैसों में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, CO2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। आपको पता है सब गैसें हार्मफुल होती हैं इसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, और इन्वायरमेंट के साथ साथ इस पर ह्यूमन के हेल्थ पे हम आगे पढ़ेंगे भी कि किस पर कौन सी गैसें क्या क्या इफेक्ट डालती हैं ह्यूमन के हेल्थ पे या फिर जानवरों पे या फिर जैसे भी ठीक है।
तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है नाइट्रोजन का ऑक्साइड तथा कार्बन आदि के जो अधजले यानी कि वो पूरी तरह से जले नहीं होते। अधजले मतलब होता है कि वो पूरी तरह जले नहीं होते हैं, अधजले कण जो निकलते रहते हैं, जो कण निकलते रहते हैं वातावरण में वो क्या करते हैं वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं, याद रखना ठीक है। अब आता है आपका चक्रवात, चक्रवात चक्रवात से क्या होता है बताइए, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात से क्या होता है बताइए गाइस, चक्रवात से क्या होता है, सुने होंगे ना कि चक्रवात आ गया, चक्रवात से क्या होता है, चक्रवात से क्या होता है, चक्रवात के कारण पहले यहाँ तक अगर आप नोट कर सके तो बढ़िया है, अच्छी बात है, फिर आप इसको मैं रफ कर दूंगा ठीक है। अगर जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसको रफ करता हूँ ठीक है, एक दो मिनट बताइए रफ करें कैसे रफ। ये चीजें आप बस इस चीज को लिख लेना, इस चीज को लिख लेना ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों क्योंकि ये चीजें आपको नेचुरली हो रही है ठीक है। आपके हमने दो सोर्स बताया है, जो दो स्रोत बताया आपको किसके, वायु प्रदूषण के स्रोत मैंने बताया दो, किसके वायु, वायु प्रदूषण के ठीक है, वायु प्रदूषण मैंने दो स्रोत बताया, जिसमें से पहला था आपका, इसमें से आपका पहला क्या था नेचुरल यानी कि प्राकृतिक स्रोत था, क्या था प्राकृतिक, का मैंने बस खाली मान ली इसको बताया था कि ये होता है ठीक है, लेकिन ट्यूब में नहीं गया था, आज हम ट्यूब में जा रहे हैं धीरे ठीक है। प्राकृतिक स्रोत होता है और सेकेंड होता है आपका कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत। अब देखिए गाइस कृत्रिम स्रोत प्राकृतिक स्रोत का स्पष्ट है कि जो स्रोत प्राकृतिक के द्वारा से जहाँ से आ रहा है ठीक है, स्रोत का मतलब माध्यम है जहाँ से उत्पन्न हो रहा है ठीक है, तो वहाँ से उत्पन्न हो रहा है ठीक है, यहाँ से प्राकृतिक रूप से, और प्राकृतिक रूप से क्या हो सकता है, वो भूस्खलन भी हो सकता है ठीक है, ग्लैंड्स है जिसको बोलते हो जनरली, फिर आपका हो सकता है वायुमंडली जो भी क्रियाएँ होती हैं जिनमें जो भी गैसेज वगैरह होती हैं वो क्या वायुमंडली में गुजर रहती हैं, फिर उसके बाद सबसे ज्वालामुखी का फटना जो जनरली वो सुनते हैं, इसके अंतर्गत जो भी धूल कण वगैरह या जो CO या CO2 गैसेज होती हैं ठीक है, या नाइट्रोजन का ऑक्साइड होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो कार्बन एवं अधजले जो कण होते हैं, धूल वो कण होते हैं वो क्या होते हैं, निकलते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं, जो वायुमंडल में जाकर के क्या करते हैं उसको प्रदूषित कर देते हैं, तो किसके द्वारा हो रहा है वो तो नेचुरली हो रहा है ना, इसको इसमें इंसान का कोई क्या कोई रोल नहीं है, इंसान का कोई रोल नहीं है इसमें, आदमी का कोई रोल नहीं है, क्यों भैया ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है। और चक्रवात में क्या होता है इसको मैं याद कर दे रहा हूँ ठीक है, इसको मैं कर दे रहा हूँ, नोट सुनाते चलिए अच्छा फायदा रहेगा, अदरवाइज आप नोट नहीं बनाएंगे तो नुकसान आप ही का होगा ठीक है। बहुत सारे इसमें रीजन है, रिपोर्ट में वगैरह पढ़ेंगे बहुत सारे रीजन है, लेकिन सारे रीजन नहीं जो मेन में रीजन है वो सुनते। फिर आपका फोर्थ था, आपका फोर्थ वाला नंबर था चक्रवात, चक्रवात चक्रवात क्या होता है भाई बताइए, चक्रवात के कारण वातावरण भूमिगत हो जाता है, याद रखना चक्रवात के कारण वातावरण वातावरण क्या होता है भूमिगत हो जाता है। चक्रवात आ रहा है उसको रोक पाओगे नहीं रोक पाओगे ना, वो आपके मन को
कि अच्छा जब आएगी तब आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी, तो हम ग्रुप हो गए नहीं ग्रुप हो गए ना, तो क्या कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे मानव का या इंसान का बस नहीं चलता है, ठीक है भाई, तो वहाँ पे तो भाई वो तो होना ही है। तो उसके द्वारा जो यानी कि जितने हमने अभी टर्म बताया है भूस्खलन या वायुमंडलीय क्रियाएं या ज्वालामुखी का फटना या फिर चक्रवात, यानी जितने भी ये एक्टिविटी हैं ये आपके सोर्सेस चुके हैं प्राकृतिक स्रोत हैं वायुमंडल को प्रदूषित करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ तक के लिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आपका होता है कौन सा कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम बोल दीजिए या मानव गतिविधियां बोल दीजिए या मानव गतिविधियां बोल दीजिए, गतिविधियां बोल दीजिए बात बराबर है, यानी वो या तो कृत्रिम हो रहा है से या मानव द्वारा हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये आप चाहें तो रोक सकते, ये आपके हाथों में होता है, लेकिन फिर भी आदमी आजकल क्या है कि इसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसको भी क्या कर रहा है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कारण ये कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है गाइस, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद से रोड वगैरह को बढ़ाया जा रहा है यानी चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे रास्ते में या फिर जहाँ भी पड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं लोग कट कर दे रहे हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था ना डॉक्टर, जो पेड़ पौधे हो रहे हैं इसमें उसको ज़्यादातर कट किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। और ये पेड़ पौधे आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद जानते हैं, मैं मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है ऑक्सीजन देता है सीओ2 ग्रहण करता है, भैया इससे अच्छा क्या हो सकता है, इसलिए पौधा बहुत बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, अच्छे पौधों का लगाइए, अच्छे पौधे लगाइए ताकि आपको भी भविष्य में कुछ करके जाइए भाई, तस्वीर कहाँ है कुछ करके जाइए, ठीक है। जो आपका आर्टिफिशियल और मानव गतिविधियाँ होती हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसको हम देखते हैं कि ऐसा सोच ऐसा कह सकते हैं ऐसा स्रोत जिसके लिए मनुष्य जिम्मेदार होता है, जिसके लिए मनुष्य जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है, ऐसा स्रोत जिसके लिए क्या होता है मनुष्य खुद जिम्मेदार होता है। अब भाई पेड़ काट रहा है कौन, भगवान तो काटने आ नहीं रहे, ठीक है, वो अलग बात है कि कभी कभार बहुत जोर से प्राकृतिक रूप से आंधियाँ आई, पेड़ टूट गया गिर गया, वो अलग की बात है, लेकिन जो काटा जा रहा है पेड़ों का, ठीक है, जो पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, वो दिक्कत हो रहा है ना, काटने की ठीक है आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए अच्छी बात है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो बाहर रहने के लिए लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप पेड़ पौधों को लगाइए ना, उसके साथ साथ पेड़ पौधों को भी लगाइए, तभी तो हम कहेंगे भैया जो आपका प्रदूषण है वायु प्रदूषण का जो स्रोत मेन माना जा रहा है, मेनली स्रोत हम यही कहेंगे वायु प्रदूषण का जो मेनली स्रोत है, वायु प्रदूषण का जो मेनली स्रोत है हम तो इसी को मानते हैं। अगर भैया अगर कृत्रिम विधि से या फिजिकल रूप से अगर हम और उस चीज़ को कंट्रोल कर ले जाते हैं, मैं कह सकता हूँ कि उस चीज़ को हम बहुत कुछ मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण को बहुत यही तो बढ़ाए हैं कृत्रिम मानव गतिविधियाँ हैं, तो वायु प्रदूषण को एकदम बिल्कुल बहुत चरम सीमा पर पहुँचा दिए हैं। सच कहा जाए तो यही होगा कि जो आपकी मानव गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, यही उनको क्या किया है चरम सीमा पर पहुँचा दिया है जो वायु प्रदूषण है, ठीक है, यानी जितने भी आपके हार्मफुल गैसेज हैं या फिर जहरीले गैसेज हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंसान है इसके लिए जिम्मेदार है, इसीलिए मैंने यहाँ लाइन लिखा है ऐसा स्रोत जिसके लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार होता है, जिसके लिए मनुष्य जिम्मेदार होता है, खुद कह सकते हो यहाँ पे
अपने तरफ से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, खुद जिम्मेदार होता है। यानी कि उसको चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, चाहे उसको भी और ब्रॉड में फैला सकता है और प्रदूषित कर सकता है अपने वातावरण को। ठीक है गाइस, ओके, इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कारण आ सकते हैं, इसमें क्या क्या कारण आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें वनों का कटाव, वनों का कटाव। अभी एक टर्म को आप समझते चलिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ सुनते चलिएगा, क्योंकि बोर्ड पे बहुत सारे टर्म को लिखना लिखाने नहीं सकता है। वनों का कटाव, आप देख रहे होंगे कि उस साल पहले पुराने समय में, कुछ नहीं बहुत पुराने मत जाइए, कुछ साल पहले चले जाइए, तो आप देखते होंगे रोडों के किनारे बहुत हरे हरे पेड़ पौधे लगे रहते थे। ठीक है, जिससे बहुत अच्छा आपको अनुभूति होती थी आने जाने में, किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग हो, जो भी हो, ठीक है भाई, बिल्डिंग बन रहे हैं जहाँ साइड पे वहाँ पर पेड़ पौधे तो उसको भी कट कर दिया जा रहा है। ठीक है, या फिर रोड बन रहे हैं तो उसको भी चौड़ीकरण इस्तेमाल जाना बताया रखा है, रोड इतना था तो चौड़ा कर दिया गया। अब इसके अलावा जो भी पेड़ पौधे मिलेंगे भैया इसको क्या करेंगे, कट किया जा रहा है ना, तभी तो आगे चौड़ा कर दिया। अब देखो दिक्कत क्या होता है कि अब यहाँ पे आदमी भी क्या क्या सकता है, दिक्कत ये वन तो बन रहा है तो भाई इसके बदले में आपको करना क्या है कि सरकार को भी सोचना चाहिए, इसके बदले में वन कटाव हो रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम पेड़ पौधों को क्या होना चाहिए, लगाना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट उसकी उसकी जो फुलफिल उसकी है रिक्वायरमेंट है उसको कम्प्लीट कर दे रहा है, इसके जो आपका वायु प्रदूषण उसको क्या कर रहा है, उसको मिनिमाइज कर दे रहा है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। सोचो ना, अगर वनों का कटाव हो रहा है उसके बदले में सरकार क्या करे, सरकार को करना ये चाहिए जो भी आपके मैक्सिमम पेड़ पौधे लग सकते हैं उसको लगाए। अब इसी बात है, अगर नहीं लगाएगा तो इसका मतलब क्या है, जस्ट एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जस्ट उसके अपोजिट इफेक्ट पड़ने वाला है। अब जब इफेक्ट पड़ेगा उसका हो सकता है युद्धारियों पे, मनुष्यों पे, हर जगह पड़ेगा। ठीक है, तो आपका पहला एक पॉइंट ये कंसिडर करता है कि जो वनों का कटाव जो मेन फैक्टर बन रहा है वो आपका मानव गतिविधियाँ द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य तो उसको काट रहा है, मनुष्य तो उसको काट रहा है भाई। ठीक है, सेकेंड आपका आता है, सेकेंड आपका आता है निर्माण, सेकेंड आपका आता है निर्माण। इसको भी समझते चलिए, इसको भी समझते चलिए, इसको भी पाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि अगर आप सुनते रहेंगे तब भी लिख ले जाएंगे। ठीक है, निर्माण, जैसे कोई भी चीज़ हम निर्माण कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ निर्माण कर रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा जस्ट वन मिनट, प्यास लग गया था तो भाई पानी पी लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ध्यान दो, अब निर्माण हो रहा है, आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको कि सर अगर हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ उसको रोक दो, निर्माण करिए, निर्माण करिए, लेकिन आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एनवायरमेंटल से रिलेट किया जाए, उसको एनवायरमेंट से एनवायरमेंट से अगर रिलेट किया जाए, इसको भी प्रोटेक्ट करना है, इसकी जिम्मेदारी आपको बनती है, इसकी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको क्या करो, प्रोटेक्ट करो। ठीक है, अगर निर्माण हो रहा है अच्छी बात है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर होना अच्छी बात है, देश का डेवलपमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप क्या कि कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको जो वातावरण है उसको दूषित कर रहे हो। ठीक है, खुद तो उस चीज़ को ना करिए, तो निर्माण का आपका बहुत निर्माण, बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड का हो रहा है, रेलवे ब्रिज जो भी कह सकते हो, आपको जो भी कंस्ट्रक्शन में आते हैं सारे के सारे, अब हाई रोड बना रहे हैं, रोड के किनारे जितने भी पेड़ पौधे पड़े हैं तो काटते गए, बहुत सारे हमने देखा है, खुद किसी अर्ग बच्चा सुन से आता हुआ उधर देखा हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, पीपल के वृक्ष थे जो बहुत आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपको पता ही होगा, उन पेड़ों को काट दिया गया। कारण क्या है, जब रोड चौड़ा करने को होगा तो उसके अंदर में आएगा, जब उसके अंदर अंडर में आएगा तो रोड है, ये रोड है, अब पेड़ मान तो यहाँ आ रहा है, पेड़ मान तो यहाँ आ रहा था। ठीक है, अब इस पेड़ को क्या करेगा आदमी, जो भाई इंजीनियर होगा वो क्या करेगा, तो भाई जो चाहेगा ना इस पेड़ को हटाने के लिए, भाई कैसे काटेंगे, तो काउट हो जाएगा, इस चीज़ को क्या करता है, वो कट कर देता है। ठीक है, उसको क्या करता है, कट कर देता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपका निर्माण है उससे एक
उसके बाद से उद्योग धंधे सॉरी वाहन कर सकते हो गाड़ी कर सकते हो या उद्योग धंधे ले लो उद्योग धंधे उनको आज हम डिटेल में पढ़ना है उसको अच्छे समझते चलिएगा ठीक है। अब उद्योग धंधे में क्या है अब इससे कैसे हो रहा है तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्रियां नहीं होंगी लोगों को फिर रोजगार नहीं मिलेगा सॉरी हाँ सही बोला मैंने ठीक है। लोगों को क्या मिलेगा रोजगार नहीं मिलेगा अगर इंडस्ट्रियां हैं तो मिलेगा अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपको बात क्लियर हो गया ठीक है। अगर बात क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है औद्योगिकरण होता है इसीलिए तो किया जाता है लोगों को मैक्सिमम से रोजगार मिले अच्छे प्रोडक्ट बने हमारे देश में विकास हो ठीक है होता है अच्छी बात है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है ना इस पर वायुमंडल पे कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है वायुमंडल को प्रभावित कर रहा है वायुमंडल को क्या कर रहा है वायुमंडल को क्या कर रहा है प्रभावित प्रभावित कर रहा है ठीक है गाइस। अब तुम सोचो उद्योग धंधों से कितने जहरीले गैसें निकलते होंगे गैसों के रूप में तुम सोच सकते हो CO2 वगैरह CO हो सकता है ठीक है और आपका क्या हो सकता है जो आपके वाटर वगैरह निकलते हैं जनरली क्योंकि हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन का बात करेंगे अभी हम जल पे नहीं जाएंगे क्योंकि अगला जल जब प्रदूषण पड़ेंगे तो वहाँ डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो भी गैसें निकलती हैं यहाँ से आपकी चिमनियों से या फिर जो भी आपके कारखाने होते हैं जहाँ से भी धुआं निकल रहा होता है वो धुआं अच्छा नहीं होता है किसके लिए इन्वायरमेंट के लिए ठीक है। हमने आपको बताया था कि CO2 जनरली क्या करता है टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है बहुत ज़्यादा CO2 इन्वायरमेंट में हो जाएगा तो जो वातावरण है एटमॉस्फेयर उसको बहुत ज़्यादा क्या करेगा गर्म कर देगा ठीक है क्या करेगा गर्म कर देगा इफेक्ट डाल रहा होता है कि प्रभावित कर रहा है क्या कर रहा है प्रभावित प्रभावित कर रहा है ठीक है। यानी कि वनों का कटाव निर्माण उद्योग धंधे और ये सब एक फैक्टर और आता है वाहन एक फैक्टर और आता है आपका कौन सा वाहन आज हम देख रहे हैं यहाँ सुनने से देखा बस ठीक है ये सारे टाइम आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं वो बड़ी बात नहीं है। वाहन क्या होता है जैसे वाहन में क्या होता है एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि सड़कों पे जनसंख्या वृद्धि की वजह से हम ये कहेंगे जनसंख्या वृद्धि का वजह ही ऐसा है जिसके वजह से लोग मैक्सिमम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और जिसके थ्रू हमारा जो है बाइक प्रदूषण होता जा रहा है ठीक है। अब इसी बात है अगर जनसंख्या कम रहेगा तो कम से कम लोग व्हीकल यूज़ करेंगे अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा व्हीकल वाहन जो यूज किया जा रहा है ना इसको कुछ ऐसे प्रिकॉशन किया जाए ऐसे इसको ऐसे इसमें कह सकते हो कि कुछ ऐसे चीज़ लगाया जाए इसमें ठीक है ऐसे चीज़ों का इसमें लगाया जाए कि कम से कम वायुमंडल को क्या करें दूषित करें ठीक है बिल्कुल। यानी कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसे फिल्ट्रेशन का काम करने की जो गैसे निकल रही है वो फिल्टर होकर निकले ठीक है वो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यानी कैसा कुछ तकनीकी अपनाया जाए जिससे हमारा क्या हो वाहन तो चले प्रदूषित तो होगा इस बात है इतने सारे वाहन चलते रहते हैं सड़कों पर इतने बार निकल तुम जानते ही हो और तुम आते हो गाड़ी गाड़ी सीधा जाते हो कितने व्हीकल्स होते होते हुए गुजरते हो तुम खुद एहसास होगा तो कहने का सेंस है कि वाहन पे कुछ क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए वायु प्रदूषण के लिए ठीक है। उसके बाद से आपका आता है उसका असर आता है जनसंख्या उसके बाद से आता है आपका जनसंख्या आपको पता चाहिए यार सारे चीज़ों का जड़ क्या है जनसंख्या वृद्धि जो है जनसंख्या वृद्धि ही जो है आपका अगर जनसंख्या वृद्धि कम होगी तो किसी वाले प्रदूषण कम होगा अगर नहीं होगा भैया बढ़ते जाएगा जनसंख्या आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि इंक्रीज़ होगा घटेगा नहीं बढ़ता ही जाएगा वो घटने वाला नहीं है इस चीज़ को याद रखिएगा ठीक है वो बढ़ने ही वाला है घटने वाला नहीं है समझ लीजिएगा क्योंकि जनसंख्या कोई ऐसा कानून ही नहीं बन पा रहा है जिससे कंट्रोल किया जा रहा है ठीक है क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए कि अगर जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ेगी तो कुछ आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ठीक है। इस वजह से जो एक प्रॉब्लम हो रहा है ना इससे ज़्यादा एक प्रॉब्लम होगा और इसीलिए जो आपका वायुमंडल है
जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही क्या होगा डैमेज होने लगेगा, बहुत जल्दी छत पहुँचने लगेगी, बहुत जल्दी इसको क्या होना लगेगा छत होने लगेगी। अब जब छत पहुँचेगी तो अभी आप इसी वक्त आप उसका हालत खराब हो जाएगा, वो चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी जो जो ह्यूमन रह रहे हैं पृथ्वी पे उनको क्या करेगा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। ये सारे जो फैक्टर हमने आज पढ़े हैं वनों का कटाव है, एनवायरमेंटल दर्जे को आने की संख्या, ये सारे के सारे आपके आर्टिफिशियल होते हैं और इसके जिम्मेदार हम बता दिए थे हमें और आप, ठीक है। रख करते हैं एक चीज ध्यान रखिए, पावर कट आ रही है, कनेक्शन क्या पावर कट गया, सॉरी मैं सॉरी थोड़ा पावर कटा हुआ, ठीक है। तो हम पावर कम आता है कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। पावर जैसे ही आता है हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है, पावर कट चुका है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से बोर्ड पे उसको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइट आ जाए, हाँ ठीक है आ गया, ठीक है अब आ गया, ठीक है अब लाइट आ चुका है, ठीक है। फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वायु मुक्त वायु का जो प्रदूषण मुक्त वायु का जो संघटक है, यानी कि जो संघटक है यानी कंपोनेंट है वायुमंडल इंडिकेशन का, वो कितना कितना है, ठीक है, वो कितना कितना जनरली है। जो मुख्य गैसें हैं जैसे आपको पता ही है, आपको पता है कि नाइट्रोजन कितना है, आपको पता है नाइट्रोजन एक बार देख लें, थोड़ा चल रही वीडियो, चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फैन नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जो आपका नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट है, तो आपको सबको पता होता है जनरली कितना होता है, 78.08% जनरली, ठीक है। फिर कुछ गैसे होते हैं ऑक्सीजन, जो मुख्य मुख्य गैसे हैं निम्न वाले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी अभी किताब में लिखा हुआ है वहाँ से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 20.94%, ठीक है, यानी कि जनरली हम लोग इसको 21% मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है, उसके बाद से आता है आर्गन, क्या आता है आर्गन, जो आर्गन गैस होता है वो जनरली होता है 0.934%, 0.934%। उसके बाद से आपका जो गैस आता है वो जनरली, सॉरी चार गिर गया, एक मिनट रुक जाइए। उसके बाद से आता है CO2, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जनरली होता है 0.0315, नियर अबाउट आपके इतने सारे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं और भी गैसें होते हैं, हीलियम होती है, मीथेन होती है, सारे कुछ गैसें होती है, ठीक है। तो यानी मतलब इसके परसेंटेज भी कभी कभी कंपोनेंट संगठन को कुछ निकाल सकें कि कितने इसमें क्वान्टिटी होती है, गैस मात्रा बताइए आप, ठीक है। तो उससे आप जनरली क्या करना, आप स्टडी कर सकते हैं इसको, आप जान सकते हैं इसको, इसमें ग्रुप में भी दिया होगा आपको पूरा टेबल बना करके, उसको आप कोई कर देखिए, ठीक है। बहुत सारे इसमें गैसे मैंने चार गैसों का इसमें सिर्फ जिक्र किया है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जितना ही माइक कर सकते उतना अच्छा है, उसको बढ़ोतरी नहीं होने देना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, बढ़ोतरी नहीं होने देना है, ठीक है गाइस, ओके क्लियर, आगे बढ़ें। अब देखो वायुमंडल वायु प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव है, वायु इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण का प्रभाव, वायु प्रदूषण का
क्या क्या प्रभाव हो सकता है, ठीक है ठीक है, वायु प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहले बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, अगर पहला देखा जाए तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, ठीक है। सेकंड देखा जाए बी जीव जंतु पर प्रभाव, बी है जीव जंतु पर प्रभाव, ठीक है। सी आपका बनता है पेड़ पौधों और वनस्पति पर, पेड़ पौधों वनस्पति पर ठीक है, पेड़ पौधों व वनस्पति पर, जलवायु एवं मौसम प्रभाव पर, जलवायु एवं मौसम पर प्रभाव, जलवायु एवं मौसम पर प्रभाव, ठीक है, मौसम पर प्रभाव। आपको समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है ठीक है। यहाँ पर मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है वायु प्रदूषण का, जीव जंतुओं को भी पड़ सकता है, पेड़ पौधों को पड़ सकता है, और जलवायु एवं मौसम पर भी क्या करता है, प्रभाव पड़ सकता है। अब देखो इतने सारे इफेक्ट हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान है ना। तो आप सोचो सिर्फ मानव पे होता तो खैर मानते चलो ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है, गलत है, उसको भी रोकना है। जीव जंतुओं को भी पड़ रहा है, पेड़ पौधों को भी पड़ रहा है, तो जो भी जलवायु और जो भी मौसम है उसको भी पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हो कि वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में जो आपका वायुमंडल को प्रदूषित जो कर रहा है वो कितना घातक है, ठीक है। यानी कि बताओ आदमी का हेल्थ ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर दे रहा है, आदमी का जो स्वास्थ्य है उसको ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर दे रहा है, ठीक है। तो कैसे किस प्रकार से डिस्टर्ब करेगा, ध्यान से देखिए, इससे मानव का स्वास्थ्य क्या होता है, तंत्र प्रभावित होता है, जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्र जो होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रभावित, क्या होता है, प्रभावित होने लगता है, ठीक है। वायु प्रदूषण से फेफड़े का कैंसर, आंखों में जलन वगैरह, ठीक है, फेफड़ों में कैंसर ठीक है, कैंसर और क्या आंखों में जलन, आंखों में जलन वगैरह होने लगते हैं, ठीक है, गले में दर्द वगैरह, ये सारे जितने भी आपके लक्षण दिखाई देते हैं वो जनरली मानव के स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। भैया तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, आप अच्छे रह पाएंगे, कुछ खा पी पाएंगे अच्छे से, कुछ नहीं पाएगा, कैंसर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। कोई चाहता है कि उनको कैंसर हो जाए, नहीं चाहता है, पूरी लाइफ में हम किसी को नहीं कहेंगे भाई किसी को कैंसर हो, तो वो भी तो रहा है, कैंसर के मरीज तो मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है तभी तो मिल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कारण है तभी तो मिल रहा है। अदरवाइज कितना आंखों में आपके जलन होते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो गैसे हैं वायुमंडल में जल और जा रहे हैं सफर कर रहे हैं, तो क्या होता है वो आंखों में भी चुभने लगता है, कभी कभी आप एहसास किए होंगे अगर ऐसे जगह पहुँचे होंगे जहाँ पे जनरली जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे जो गैसें निकलती हैं वो आंखों पे क्या होती है, असर डालती हैं। अरे खुद तुम जो व्हीकल जो रोड पे चलते हो ना, जो धुआं वगैरह निकलता है गाड़ी वगैरह, उसका भी इफेक्ट आंखों पे पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, इस पर मानव के स्वास्थ्य पर, ठीक है। जीव जंतु पे कैसे होता है, जो मोटर वाहनों से निकले हुए धुएं जो होते हैं प्रकाश की तरफ आएंगे तो लोग क्या करते हैं, लोगों को मात्रा में प्रभावित होती है, ठीक है, ध्यान देना। जितने भी व्हीकल वगैरह चलते हैं उसमें क्या होता है, जो भी गैसें निकलते हैं वो पराबैंगनी किरणों की मात्रा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, पराबैंगनी किरणों की मात्रा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इससे क्या होता है, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ने लगता है, ठीक है।
समझ गया ना, जिससे जीवन के ऊपर क्या होता है प्रभाव पड़ने लगता है और मानव स्वास्थ्य को पता चल गया। थर्ड आता है पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों पर, ठीक है, जिससे पता है आपको वायु प्रदूषित होने से सीओ ये सब को मैं लिख लेते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, करते इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। मानव के और आपका जीव जंतु से पता चल गया, अब देखिए इसको भी नीचे रफ कर दे रहा हूँ, उसको जब भाई करते हैं हर्ड वाला जो है आपका क्या है पेड़ पौधे और पेड़ पौधों एवं वनस्पति पर, ठीक है गाइस। अब इसको रिलेशन कैसा पड़ता है इसको ध्यान से देखना, ध्यान रखना, वायु प्रदूषित होने से वायु प्रदूषित होने से होता क्या है सीओ, आपको पता है सीओ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद से क्या है O3, जैसे प्रदूषक पेड़ पौधों को पूरी तरह पूरी तरह क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, पूरी तरह क्या करते हैं गाइस प्रभावित करते हैं, पूरी तरह प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जनरली इस बात रखना वायु प्रदूषित होने से क्या होता है कि जो आपका सीओ निकल रहा है या सोटू निकल रहा है या वजन जो भी कह सकता है, ये प्रदूषक जो भी होते हैं यानी ये प्रदूषक धुआं है, ठीक है, प्रदूषक धुआं जो पेड़ पौधे उपयोग करते हैं पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। आप लोग जनरली देखे होंगे जैसे जहाँ पे इंडस्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, याद रखना जहाँ पे जैसे मान लीजिए आप इंडस्ट्री है या फिर कीट के भट्टे वगैरह जो चिड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो आप देखते होंगे कि जो उसके आसपास के जो भी इलाके होते हैं, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है, ठीक है, ये आपका इंडस्ट्री है, मान लीजिए या फिर क्या है इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के जो सराउंडेड जो भी जितने भी एरिया होते हैं, ठीक है, जनरली देखा गया है कि जो वहाँ फसल वगैरह होते हैं ना, जो वहाँ पर फसल वगैरह होती है वो अच्छे से क्या होती हैं प्रोग्रेस नहीं कर पाती हैं, उतनी उपजाऊ नहीं हो पाती हैं, वहाँ की जो मिट्टी उट्टी वगैरह भी होती है वो क्या होती है छत्म होती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये पता चल गया कि जो भी आपका फसल वगैरह होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से भैया इन प्रदूषित चीज़ों से यानी कि जो भी वायु प्रदूषित हो रही है इसकी वजह से पेड़ पौधों पर या वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, समझ गए, ओके क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। जनरली तुम देख लेना इंडस्ट्री के आसपास में भी क्या होता है, लोगों को क्या होता है कि वहाँ पे जो जैसा फसल उगा सी जितना बेटर आपका किसी इंडस्ट्री से कुछ दूरी पे फसल उगने लगेगा उतना अच्छा आपको इन्वायरमेंट जो आपका इन्वायरमेंट पर्यावरण मिलना चाहिए फसल उगाने के लिए वो इंडस्ट्री के पास नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप इसके सराउंडिंग कुछ दूरी पर अगर आप उगाते हैं फसल वगैरह जैसे गाँव जैसे चले जाओ वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शहरों में लोग क्या यहाँ पे जनरली अभी शहर में देखा जाए कि बहुत कमी चीनी चुनी खेती बाड़ी लोग करते हैं, ठीक है, करते नहीं करते हैं, इंडस्ट्रियाँ हैं बहुत सारे हैं तो लोग इस वजह से क्या है उसको क्या करते हैं जानबूझकर वहाँ पे करते हैं, लेकिन कुछ तरह का पैदावार जैसे यहाँ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पैदावार अच्छा खासा होता है, आपको बता रहे हैं और क्लियर, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आपका प्रदूषित एरिया होगा वहाँ पे फसल नष्ट होने या फसल को प्रभावित करने का कारण बन सकता है ये प्रदूषण, अगर जहाँ पे कुछ ऐसा यानी कि जो भी कह सकते हो जो इंडस्ट्रियाँ या जो भी भट्ठे वगैरह होते हैं ना ईट वाले भट्ठे वहाँ पर जनरली क्या होते हैं इस चीज़ों को प्रभावित करती हैं फसल को प्रभावित करती हैं, ठीक है, क्लियर, ओके, चलो ठीक है, मेरी बातों को समझते रहना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो आप लोग समझदार हो, ठीक है, आपको समझदार हो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे आपको। अब चौथा आपका आता है
इन दोनों पढ़ चुके हैं। चौथा आता है इस पे जलवायु और मौसम का, चौथा आता है जलवायु एवं मौसम का। इसमें क्या है कि जितने भी इसके मौसम परिवर्तन होता है या कितनी भी जलवायु परिवर्तन होता है, यानी इनकी वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट में भी क्या होता है दिक्कत होता है, इस वजह से इसका भी कारण बन सकता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, दिक्कतें होती हैं। ठीक है, यानी कि इन पर भी जलवायु प्रदूषण और मौसम पर भी क्या होता है, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ने लगता है। तो देखो, प्रदूषण तो हुआ किसी पर्टिकुलर हर जगह से हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ इंसान पे ही नहीं पड़ रहे, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फसलों, सारी चीज़ों पर पड़ रहा है। तो नुकसान है ना, इसको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को ना, बहुत ही सीरियस मैटर होता है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए बताओ? तो आप एक सिविल इंजीनियर हो, जिस वजह से मैं आपको जागरूक कराना चाह रहा हूँ कि आप समझो इस चीज़ को और आप इस चीज़ को क्या करो, उसको प्रिवेंट करो। ठीक है, क्लियर? तो कहीं ना कहीं जलवायु में भी और मौसम में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सर कौन सा इमारतों पर प्रभाव, पांचवा आपका है इमारतों पर प्रभाव। ठीक है, आपको पता है अभी सी बात है, जो जहरीली गैसें होती हैं और वायुमंडल में जाती हैं, बरसात होती है, वो क्या जनरली होता है, आम्ल वर्षा का होता है, आम्ल वर्षा जनरली क्या करता है, इमारतों को प्रभावित करता है। अगर मान लो तुम या कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का घर चले जाओ, तो जो भी डस्ट वगैरह निकलते हैं वो सारे से सारे क्या होते हैं, उनके ऊपर छा जाते हैं। ठीक है, छत के ऊपर या फिर जो वाल होते हैं उस पर भी प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इसका इमारतों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। इसका इसका वायु प्रदूषण का क्या क्या इफेक्ट है, मैंने सारा टर्म बताया, सारे टर्म को आपको याद रखना है, और एग्जाम में अगर आता है तो सारे टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक दो टर्म आपकी किताब में ज़्यादा दिया होगा, आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं पांच टर्म और बता दिया हूँ। पांच टर्म अगर आपको एकदम बेसिकली अच्छे तरह से प्रिपरेशन है, अच्छे से एग्जाम में है, आप तैयार किए हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, क्लियर? ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि वायु प्रदूषण का कितना घातक मतलब इफेक्ट है, बहुत मेजर मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, कह सकते हैं बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट यानी कि कल की वीडियो पढ़ेंगे, आज की वीडियो बस यहाँ तक समाप्त हो गया। ठीक है, कल की वीडियो में हम का लास्ट यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक होगा कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के मेथड। वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्या विधियां, नियंत्रण के विधियां हमको ऐसे सिलेबस से लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस से बाहर नहीं है ना, सिलेबस के बहुत अंदर है। जितना है कि आप हम सिलेबस के अंदर चल रहे हैं, जितना भी सिलेबस पढ़ा रीजन में हम लोग पढ़ सकते हैं उतना हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण नियंत्रण की विधियां। ये टॉपिक आपका कल कवर हो जाएगा, पूरा टॉपिक आपका कुछ ऐसे मेथड होंगे। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वायु प्रदूषण को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, या फिर पूर्ण रूप से क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं, कल हम उसको डिस्कशन करेंगे। आज सब यहाँ तक आपको वीडियो में क्या करना है, बने रहना है। यूनिट नंबर थर्ड का सबसे लास्ट पॉइंट होगा, एक बार देख लेते हैं इसका सिलेबस, थोड़ा सा एक बार सिलेबस देख लेते हैं, लास्ट में क्या इसका इसका सिलेबस में सोर्सेज हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग सोर्सेज पढ़ चुके हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, उसके बाद से इफेक्ट हम जस्ट अभी पढ़े हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ पे या फिर अभी से बात है ह्यूमन हेल्थ पे भी पड़ सकता है, इकोनॉमिक प्लांट वगैरह हमने जस्ट अभी यहाँ पे डिस्कशन किया ही है। ठीक है, उसके बाद से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं कहूँगा कि अगर हेल्थ की क्या क्या प्रभाव डालता है ह्यूमन हेल्थ पे या फिर प्लांट पे या फिर इकोनॉमिक पे, उसके बाद से आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, तो आपका आता है
वायु प्रदूषण नियंत्रण के किया गया अधिनियम जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे यानी टुमारो टुमारो यानी कि कल हम इसको क्या करेंगे स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कैसे कौन कौन से ऐसे विधियाँ हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या वायु प्रदूषण नियंत्रण यानी कि वायु प्रदूषण को हम कैसे नियंत्रण करेंगे इसके लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं उस पूरे विधियों को जनरली 5-6 मैक्सिमम बुकों तो बहुत ज़्यादा दिया गया हम लोग जनरली 4 या 5 मैटर अच्छे से पढ़ेंगे विद फिगर के साथ हम क्या करेंगे कल विद फिगर के साथ हम क्या करेंगे अच्छे से डिस्क्रिप्शन करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या ऐसे टेक्निक है ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे जनरली वे में आपको पता ही है कि हम लोग जनरली कुछ ऐसे चीज़ों का क्या करते हैं जनरल वे में बता रहा हूँ आपको पता होगा कि हमने बताया था सामान्य वे में कि घरों में जो गैस चूल्हा वगैरह यूज जनरली करिए वहाँ पे कोई किसी प्रकार का ऐसा आयरन यूज ना करिए जो क्या हो CO2 या CO जनरेट करता हो ठीक है तो उसको ना करिए आप उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्रियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे होती है जो चिमनी की हाइट होती है वहाँ उसको क्या करो कुछ ज़्यादा हाइट पर करो। फिर मैंने बताया था जो आपका इंडस्ट्री होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो सार से कुछ दूरी पर जाकर उसको बैठा दो भैया चलो ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिंपल था लेकिन हम जो कल मेथड पढ़ने वाले हैं कुछ वो अलग होंगे ठीक है वो कुछ मेथड जो होंगे वो कुछ अलग मेथड होंगे जिसको हम कल डिस्कशन करने वाले हैं ओके। मतलब मैं आशा करता हूँ कि एक वीडियो आप क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल मैं आशा करता हूँ। सिविल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो देखेंगे समझेंगे ठीक है और हम लोग कल फिर इसके बारे में ठीक है गाइस तो आपका आज तक यहाँ तक वीडियो आपका क्लियर होता है। थैंक यू सो मच धन्यवाद आपका।